So we are continuing the chapter called Understanding Balance Sheets. Okay, so let's now move. Yesterday we have discussed what is an asset, what's a liability. We have discussed current assets. We have discussed about current assets and like long-term assets or tangible assets, okay, or fixed assets. We have discussed everything about them. We have discussed about current liabilities, long-term liabilities. We have discussed about the accrual accounting. We have discussed about the equity, that is assets, total of assets minus liabilities is equal to equity. We have seen describe the uses and limitations of balance sheet in financial analysis. So we will see what are the limitations. Okay, let's go ahead. See, the balance sheet provides useful information regarding a company's financial position. We know this to both investors and lenders. Okay. However, balance sheet information should be interpreted very carefully. But why? Analysts should be careful not to view equity reported on the balance sheet as either market or intrinsic value of company's net assets because of the following reasons. कल हमने ये भी देखा था कि जो इक्विटी है कंपनी का, जो शेयर्स हैं, वो शेयर्स कंपनी के जो है आपका फेस वैल्यू जितने में आप बेच रहे हो वो डिफरेंट रहेगा और मार्केट वैल्यू डिफरेंट रहेगी. ओके तो अब यहां पर आपको एसेट्स लाइबिलिटीज तक ठीक है, लेकिन इक्विटी सेक्शन में बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. लेट अस सी व्हाई. अंडर करंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट बेसिस ऑफ डिफरेंट एसेट्स, कैसे मेजर करना है उनको, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे या रिवैल्यूएशन मॉडल पे. ओके लाइबिलिटीज और एसेट्स को मेजर करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होंगे या वेज होंगे. फॉर एग्जाम्पल, सम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में बी मेजर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. कल मैंने आपको समझाया था, कुछ को आप करंट वैल्यू पे मेजर करेंगे. दीज डिफरेंसेस कैन हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन रिपोर्टेड फिगर्स. ओके तो इसका बोलने का मतलब ये है कि बैलेंस शीट कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है आपके लिए. क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है? एक तो आपका टोटल ऑफ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज हमेशा इक्विटी से इक्वल होना चाहिए. देखो यहां पर ध्यान से देखो, एनालिस्ट शुड बी केयरफुल नॉट टू व्यू इक्विटी रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट एज इधर मार्केट और इंट्रेंसिक. एक तो हमें ये एस्टिमेशन नहीं लगाना है कि जो इक्विटी हम बैलेंस शीट में देख रहे हैं वो मार्केट वैल्यू पे है कि इंट्रेंसिक वैल्यू पे. व्हाट डू यू मीन बाई इंट्रेंसिक वैल्यू? इंट्रेंसिक वैल्यू इज नथिंग बट इफ समवन आस्क्स यू कैन यू कैलकुलेट द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ ए शेयर, सो इट इज नथिंग बट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट हाउ मच ऑन लाइक सपोज आपको कुछ एक कंपनी के शेयर खरीदना है, आपको आपको एक कंपनी का सपोज शेयर खरीदना है, और कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उसका इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होगा. ऑफ कोर्स इंट्रेंसिक वैल्यू इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस. ओके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस जो भी आपका होगा यही आपका इंट्रिंसिक वैल्यू डिसाइड करेगा स्टॉक का. कैसे निकालेंगे आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस? आप जो कंपनी का शेयर कर देंगे उसका डिविडेंड मिलेगा आपको. डिविडेंड इन द फर्स्ट ईयर, डिविडेंड इन द सेकेंड ईयर, डिविडेंड इन द थर्ड ईयर, डिविडेंड इन द फोर्थ ईयर, डिविडेंड इन द फिफ्थ ईयर. सपोज 5 ईयर्स तक आप उसको होल्ड करना, आपका इन्वेस्टमेंट 5 ईयर्स का है, यू विल डिस्काउंट इट एट सम रेट फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द थर्ड ईयर, फॉर द फोर्थ ईयर, फॉर द फिफ्थ ईयर. आई थिंक आप लोग को डिस्काउंट करना और ये सब करना कुछ आइडिया नहीं होगा. डू यू हैव एन आइडिया साइमा एंड सफान, आपको कुछ पता है इसके बारे में? नो सर. नहीं मालूम? यस सर, अकाउंटिंग एंड आपको पता डिस्काउंट. है ना? हाँ तो ठीक है. तो ये सफान, मैं तुम्हारे को ये डिस्काउंट के बारे में कुछ एक वीडियो भेजूंगा, उसके ऊपर जाना, ठीक है ना? डिस्काउंटिंग कैसा हो रहा है सर? आप ये बैंक डिस्काउंट डिस्काउंट मतलब जो फ्यूचर में हमको कैश फ्लो आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं आज. तो ये पूरों को ऐड करने पे आपको स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी आपका खुद का निकाला हुआ एस्टिमेटेड वैल्यू. और मार्केट वैल्यू तो डिफरेंट रहेगा क्योंकि मार्केट वैल्यू इज डिसाइडेड बाय द बाय होम बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, बाय द इन्वेस्टर्स. तो किसी कंपनी का ज्यादा रहेगा, किसी कंपनी का कम रहेगा, बेस्ड अपॉन द सेंटिमेंट्स. कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है तो ज्यादा हो जाएगा उसका वैल्यू शेयर का. ओके तो बैलेंस शीट में पोज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू यू. तो यहां पर वेदर इंट्रेंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी
they are showing at intrinsic value or market value. The equity they are showing at this market value or intrinsic value. It's not, these two are the different ways to show. So, ye ek problem hai. Secondly, some assets are measured at historical cost and some may be measured at revalued figures. Okay, that is again an issue. Revalued matlab current value. So, these differences may create issues for you to understand the company's performance or the value of the assets and liabilities or the actual position of the company at the end of the year. It will create some issues for you. Okay. Now, the value of items reported on the balance sheet reflects their value at the end of the reporting period, of course, which may not necessarily mean current or current at a later date. मतलब क्या होता है कि जो भी आपके बैलेंस शीट में आइटम्स होते हैं उसका वैल्यू आप ईयर के एंड में चेक करते हो, करेक्ट ना? इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ ईयर एंड की वैल्यू देख रहे हो. ओके, तो एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि वो करंट वैल्यू होना चाहिए. मतलब करंट जो वैल्यू उसका है, ये तो आपका निकाला हुआ, आपका कैलकुलेट किया हुआ वैल्यू है. हो सकता है मार्केट में आपको उसके ज्यादा वैल्यू मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एसेट का वैल्यू, जैसे आपका बैलेंस शीट आप ईयर एंड 31 दिसंबर को आप अपना बैलेंस शीट बनाते हो, करेक्ट? सो सुनो, आप अपना जो कंपनी का बैलेंस शीट है वो 31 दिसंबर को बनाते हो, करेक्ट और रॉन्ग? यू मेक इट ऑन 31 दिसंबर और नॉट? हेलो, You make your balance sheet at the end of the year, na? 31st December. Yes. Yes. अब उस दिन आपने कुछ कैलकुलेट किया वैल्यू, सपोज वो 1 lakh है, आपके एसेट का कोई एसेट का वैल्यू 1 lakh है, लेकिन हो सकता है मार्केट में आपको इसका ज्यादा वैल्यू मिल जाए या हो सकता है इसका कम वैल्यू मिल जाए. ये भी एक बड़ा इश्यू है. अच्छा, वो कैसे? सी, कोई आपको उसका 1,20,000 ऑफर कर रहा है, अगर आप बेचोगे तो कोई आपको 80,000 ऑफर कर रहा है. तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस शीट डज नॉट इंक्लूड क्वालिटेटिव फैक्टर्स. यानी हम कभी भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो सिर्फ मॉनेटरी बेसिस पे बनाते हैं, नॉन मॉनेटरी बेसिस पे नहीं. यानी जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं वही आपके अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं आते. जैसे कंपनी का रेप्यूटेशन, मैनेजमेंट स्किल्स, ये सब आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हो. नाउ, अब आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन. एक फॉर्मेट है आपका रिपोर्ट फॉर्मेट, जिसमें एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी सबके सब आप सिंगल कॉलम में बताते हो. लेट मी शो यू. ये देखो, ये आपका बैलेंस शीट है, इसमें आप एसेट यानी टोटल ऑफ एसेट्स आ गया, लायबिलिटी एंड इक्विटी, ये सब आप एक सिंगल कॉलम में बता रहे हो. तो जनरली यही फॉर्मेट यूज होता है. दिस इज द फॉर्मेट विच इज मोर प्रिवलेंट, यही आपके यूसेज में ज्यादा होता है. देखो, पूरा एक ही कॉलम में आ गया, करेक्ट? या फॉर्मेट भी कल मैंने आपको दिखाया था, ये पूरा फॉर्मेट है आपका. आपका एक बार फॉर्मेट भी देख लो पूरे. पहले करंट एसेट्स आएंगे, उसमें आप रेशियो एनालिसिस में भी यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट देम, कैश लाइक मार्केटेबल सिक्योरिटीज, रिसीवेबल, इन्वेंटरी, अदर करंट एसेट्स. देन नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें भी आप कौन सा चैप्टर अभी पढ़ना है आपको, इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, ये पूरे सिलेबस में. देन इंटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ये सब आपके, और या फ्रेंचाइजेस, लाइसेंसेस, ये इंटेंजिबल एसेट्स में आएंगे, ठीक है? तो ये पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट टोटल ऑफ एसेट्स. एंड आपको फिर करंट लायबिलिटी में भी आपके सामने रेशियोस में हमने डिस्कस किया था, हमारे करंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, टैक्सेस जो आप इनकम टैक्स पे करोगे, बोरोइंग्स. बेसिकली यस्टरडे वी हैव डन कैश फ्लो स्टेटमेंट, यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट एवरीथिंग आई थिंक नाउ. आपके पेबल्स एंड देन आपके नॉन करेंट लाइबिलिटीज, जिसमें डिफर्ड टैक्सेस. डिफर्ड टैक्सेस मतलब इस साल आपका जो टैक्स पे करना था वो आपका 1 lakh था, आपने सिर्फ 80,000 ही पे किया, अब आपको एक्स्ट्रा 20 पे करना है, तो ये आपका डिफर्ड टैक्स हो जाएगा, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी. देर इज अ चैप्टर, टोटल चैप्टर ऑन दिस अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस बोल के, वी विल डू इट वेरी शॉर्टली, तब आपको समझ में आ जाएगा.
नाउ और इसके बाद आपका इक्विटी, चाहे कॉमन स्टॉक, प्रिफर्ड शेयर्स, रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, व्हाटएवर प्रॉफिट्स यू अर्न इन द बिजनेस. सपोज 1 लाख आपका प्रॉफिट है, उसमें 20% डिविडेंड्स डिक्लेयर किए तो 80% यू विल रिटेन, यू विल ट्रांसफर इट टू रिटेन्ड अर्निंग्स. ओके, देन शेयर्स रीपर्चेज्ड, ट्रेजरी स्टॉक. सपोज कंपनी के 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है मार्केट में, उसमें से कंपनी 40,000 शेयर्स बाईबैक करना चाहती है, तो शेयर बाईबैक, आई एम कॉलिंग इट अ शेयर बाईबैक और ट्रेजरी स्टॉक मीन द सेम. ओके, अच्छा इसमें क्या होता है, आपका जो शेयर्स 1 लाख शेयर्स मार्केट में है, 1 लाख शेयर्स, ये शेयर्स की बात कर रहा हूं, ये शेयर्स की जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपीज है फॉर एग्जाम्पल. इसमें से आप 4 लाख के शेयर्स खरीद लेते हो तो अब कंपनी में आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने रहेंगे जो पब्लिक के पास रहेंगे. ओके, स्टिल आउटस्टैंडिंग है ये, यानी ये तो आपकी कंपनी ने, कंपनी के डायरेक्टर्स ने खुद परचेस कर लिया, कंपनी ने खुद अपने शेयर्स परचेस कर लिए. तो अभी आपके दिमाग में डाउट आएगा, जो कंपनी के पास शेयर्स होगा वो मार्केट में आउटस्टैंडिंग नहीं होगा, ये शेयर्स अब कंपनी के पास है इन फॉर्म ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, और बाकी के बचे हुए शेयर्स पब्लिक के पास है वो आउटस्टैंडिंग है. ऑल्सो लर्न अबाउट द फॉर्मेट. अब हम थोड़ा सा छोटा इसका डिस्कशन कर लेते हैं. या तो आप अकाउंट फॉर्मेट में टी शेप में भी बना सकते हो बैलेंस शीट, अभी आजकल हम नहीं बना रहे ऐसा. ये आपका लेफ्ट साइड वुड बी कॉल्ड लायबिलिटी साइड, देयर इज नो डेबिट क्रेडिट फॉर बैलेंस शीट, यू शुड नो दिस फैक्ट. सिर्फ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसमें डेबिट और क्रेडिट आता है. बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड इज लायबिलिटी साइड, राइट साइड इज एसेट साइड, बट दिस फॉर्मेट इज नॉट इन प्रैक्टिस नाउ. छोटे मोटे सोल ट्रेडिंग बिजनेस ये सब फॉर्मेट में बना लेते हैं. क्लासिफाइड बैलेंस शीट, इसमें क्या करते हैं आप, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ग्रुप्ड इनटू सब कैटेगरी. जैसे मैंने यहाँ पर आपको जो दिखाया है वो एक क्लासिफाइड बैलेंस शीट है. देखो पहले आपने करंट एसेट्स लिया एक कैटेगरी और उसके नीचे लिख दिया, नॉन करंट एसेट लिया उसके नीचे लिख दिया. आप चाहते तो ये करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स यू वुड नॉट हैव शोन देम एज सेपरेट सेपरेट हेडिंग्स, एंड यू वुड हैव टोटली रिटन ऑल द एसेट्स टुगेदर एंड यू वुड हैव टोटल डेट. तो भी बात एक ही होती, बट हम कैटेगराइज करके बता रहे हैं. आवर विश, हम कुछ भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट आपका लिक्विडिटी बेस्ड प्रेजेंटेशन, जिसमें हम करंट एसेट्स को ऊपर बताते हैं, उसके बाद फिक्स एसेट्स को या नॉन करंट एसेट्स को उसके नीचे बताते हैं. क्यों? लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब जो ज्यादा लिक्विड है इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस, इसीलिए उसको ऊपर लिखते हैं. और ये तो आपको पता है दिस आर नॉन लिक्विड एसेट्स, इनको बेचने में, सपोज आपके पास एक लैंड है, एक पीस ऑफ लैंड, लैंड आपको डेफिनेटली अच्छी वैल्यू देगा बट इमीडिएटली नहीं देगा, इट विल टेक टाइम फॉर यू टू सेल. आप उसके लिए किसी एजेंट को हायर करोगे या उसको एडवर्टाइजमेंट करोगे तो 6 मंथ्स में भी बिक सकता है, बट गोल्ड या कैश इन हैंड, कैश एट बैंक इमीडिएट कैश है. सो लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तो इसीलिए इसको पहले हम लिखते हैं. एंड ये बैलेंस शीट आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस वाला ही दिखता है मुझे, क्योंकि you are showing the current assets in the, if you are showing current assets above the non current assets. Everything is all right here? Any doubts? Shall I move forward? Yes. Yes, sir. No, sir. Yeah. Moving forward. Yeah. अब आपके सामने एक छोटा सा यहाँ पर जो जो भी हमने कल डिस्कस किया था उसी के बारे में है. आपका जो पूरा ये जो accounting standards you are reading, this is a comparative study of IFRS and US GAAP. ये दोनों भी स्टैंडर्ड्स हैं, पूरे वर्ल्ड में यही स्टैंडर्ड्स चलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. और इन लोगों ने कुछ मतलब करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स को डिस्टिंग्विश किया है, करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज को डिस्टिंग्विश किया है. मैं नहीं चाहता कि मेरे को इसमें कुछ डिस्कशन करना है, क्योंकि मैंने सब कुछ कल डिस्कशन कर दिया था आपको. और यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग साइकिल भी आ रहा है. देखो अगर आपके जो एसेट्स हैं ये वन ऑपरेटिंग साइकिल, यानी सपोज 1 ईयर के अंदर अंदर ये पूरे के पूरे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे देंगे, तो वो करंट एसेट्स हैं. एंड आई थिंक यू वेरी क्लियरली नो व्हाट इज अ ऑपरेटिंग साइकिल. व्हाट इज दैट? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ ऑपरेटिंग साइकिल? द एक्चुअल अर्निंग ऑफ द बिजनेस, एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. व्हाट प्रॉफिट? व्हाट? आई एम सॉरी.
anyone can tell me yes, it's a time taken for this is nothing but the time taken for you to recover what you have invested. That means ab investment ko chodo, you bought your inventory today. Okay, आपने कुछ इन्वेंट्री खरीद लिया. द टाइम टेकन फॉर यू टू द टाइम पीरियड बिटवीन और द टाइम टेकन बाय यू टू रिकवर योर कैश बिटवीन द डे व्हेन यू पे एंड द डे व्हेन यू रिसीव द टोटल अमाउंट इज नथिंग बट द ऑपरेटिंग साइकिल. ओके, सो द टाइम पीरियड बिटवीन वॉट यू स्पेंड एंड यू हैव रिकवर्ड it is nothing but excuse me just a second
Yeah, see, cash operating cycle is nothing but the day when you put your money and buy your inventory. Okay, you would buy your inventory definitely to sell in the market. So the day when you put your money and buy the inventory, from that day till the date you completely sell it off and recover your complete money from the market is nothing but operating cycle. All of you got this? Yes. Yes, sir. Hello? Yeah. Yes, sir. Yeah. So the day when you put your money and buy the inventory, that means the day when you purchase your inventory, from that day till the day you sell it and recover the entire money from your customers. Okay. The day when you purchased it and the final day when you recovered your money. The time period between this day and the recovery day is nothing but the operating cycle. See, we can easily calculate this. See, the operating cycle you can calculate with this formula. Stock conversion period plus debt collection period minus debt payment period. So, stock collection period suppose aapka hai 40 days. Kaise aayega stock collection period? COGS by 365 divided by stock turnover ratio. So 365 divided by आपका stock turnover ratio 10 है. तो 36 days. तो 36 days आपको लगता है stock को cash में या sales में convert करने के लिए. Plus आपके जो stock हैं वो थोड़ा बहुत cash sales भी होगा, थोड़ा credit sales भी होगा. If it is a credit sale, then we will speak about debt collection period. That is 365 divided by debtors turnover ratio. So 365 divided by, suppose it is like kitna lagayenge, 12 laga lete hain, chalo 30 days. So 30 days it would take for you to collect your money from your customers. Now meanwhile, see, I told you already, the day when you have put your money to purchase the inventory, from that day till the day you have recovered your money. So the time period between these two periods is nothing but the operating cycle. Abhi main wahi prove kar raha hu. Debt payment period. So 365 days divided by what we say is creditors turnover ratio. So 365, suppose ye aapka 18 hai. So 20 days mein aap payment kar doge. So what is your operating cycle? 66 minus 20, 46 days. 46 days ही आपका ये operating cycle है, याने आपने जिस दिन goods purchase किया से लेके बेच कर पूरा पैसा recover कर लिया, वो पूरा का पूरा काम आपने 46 day में कर लिया, 46 days में कर लिया. तो आपने करंट लायबिलिटीज के बारे में पढ़ लिया है, नॉन करंट एसेट्स पढ़ लिया है, करंट एसेट्स पढ़ लिया है, नॉन करंट लायबिलिटीज पढ़ लिया है. वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट सीए माइनस सीएल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. अगर आपका करंट एसेट्स 50,000 है, आपका करंट लायबिलिटीज 30,000 है, तो जो एक्स्ट्रा एडिशनल 20,000 है वो आपका वर्किंग कैपिटल है, वो आप यूज कर सकते हो अपने बिजनेस में टू मीट योर डेली नीड्स. आपके डेली जो एक्सपेंसेस या डेली ऑपरेशंस में आपको जो आपके जो भी मतलब मॉनिटरी नीड्स हैं वो आप ये पैसों से कर सकते हो, टू रन योर बिजनेस स्मूथली. ओके, टू फंक्शन योर बिजनेस स्मूथली. डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड मेजरमेंट बेसिस ऑफ ईच. क्या मैंने कल आपको बताया था ये मेजरमेंट बेसिस के ऊपर? आई टोल्ड यू हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट लाइक वैल्यू और वी कैन से नेट रियलाइजेबल वैल्यू. क्या मैंने कल आपसे डिस्कस किया था इसको? हेलो. यस जैन. हेलो. यस जैन. यस सर. यस सर. या एस्टरडे डिस्कस विद यू ना हाउ टू मेजर द एसेट्स, यानी आप एसेट्स को क्या वैल्यू में बैलेंस शीट पे लिखोगे. तो अभी हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. एक बार ये रीड करो, मैं एक सेकंड में आता हूँ. प्लीज गिव रीडिंग टू दिस, आई विल बी बैक इन अ सेकंड.
Yes. So now here we can see. See, individual assets and liabilities are reported on the balance sheet using different measurement basis. हर एसेट या लायबिलिटी का अपना एक अलग वे है मेजर करने का उसका, ठीक है. सो द चैलेंज फॉर एनालिस्ट्स लाइज ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ द रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिलेट टू इकोनॉमिक रियलिटी टू ईच अदर. ठीक है, ये सब पॉइंट छोड़ो. लेट अस सी. फॉर एग्जांपल, लैंड इज यूजुअली प्रेजेंटेड एट इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी जितने में आपने उसको बाय किया था. करेक्ट, आपने जितने में एक लैंड को, सपोज यू हैव बॉट अ लैंड फॉर 1 लाख, लैंड नेवर डिप्रिशिएट्स क्योंकि लैंड का एक्सपायरी डेट होता ही नहीं है. वो हमेशा आपका, कोई भी आप मतलब जनरेशंस टू जनरेशंस, 100 years 200 years कब तक भी देखो लैंड वैसा ही रहेगा. यू कैन यूज इट फॉर इननूमरेबल यूजर्स. अगर एक पीस ऑफ लैंड आपके पास है, बोल तो दैट इज मोर देन इनफ, और क्या चाहिए. ठीक है ना, वो आप कभी भी आपका एसेट रहेगा. तो उसको हम बताएंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे. सो लैंड इज यूजुअली, मतलब यूजुअली, वो ऐसा नहीं बोल रहा है, इज नॉट सेइंग कि आप उसको मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखा सकते हो. जनरली आपके पास दो ही वे है, या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाओ या तो मार्केट वैल्यू पे दिखाओ. ठीक है ना, मार्केट वैल्यू दैट मीन्स वॉट पीपल आर रेडी टू पे यू इफ यू सेल टूडे दैट इन द मार्केट. That's what. तो उसमें भी क्या होता है, आपको NRV, मैंने एक अच्छा वर्ड दिया, NRV is nothing but the selling price, या आप जो भी उसका मार्केट वैल्यू माइनस द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल. इसको भी हम इजी कर देंगे. मार्केट, सपोज आप ये एसेट आपका 1 लाख का है, आप इसको मार्केट में बेचने के लिए रेडी हो, एंड पीपल आर रेडी टू पे यू 1 point, पीपल आर रेडी टू पे यू 2 लाख फॉर दिस लैंड. उसमें से आप एजेंट का कमीशन निकाल दो, सेलिंग एक्सपेंसेस निकाल दो 20,000, 10% इसका. सो 1,80,000 पे आप अपने लैंड को लिख सकते हो बुक्स में, ऐसा भी कर सकते हो. ओके, नाउ सो लेट अस सी. हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से फॉलो करते हैं. लैंड इज यूजुअली प्रेजेंटेड एट इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट इफ प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली. दिस वाज व्हाट आई वाज सेइंग यू. सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स इज अंडरस्टेटेड ऑन द बैलेंस शीट. देखो क्या होता है, अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अपने एसेट्स को बैलेंस शीट में दिखाते हो, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो एसेट आपने 10 years पहले खरीदा, उसका आज की डेट में वैल्यू इंक्रीज हो गया होगा. और अगर आज उसकी वैल्यू आपको ज़्यादा मिल रही है, उसके ज़्यादा लोग उसको, उसके ऊपर आपको ज़्यादा पे करने को रेडी है, बट स्टिल इफ़ यू आर शोइंग अट लेस वैल्यू, दैट इज नथिंग बट अंडरस्टेटिंग द वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट. दैट इज़ नॉट गुड. ठीक है ना, मतलब आप जो वैल्यू दिखा रहे हैं वो आज की डेट के हिसाब से मैच नहीं हो रहे हैं, रियलिस्टिक नहीं लग रहे हैं. दैट्स व्हाट आई मीन टू कन्वे टू यू. नाउ द बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ सर्टेन एसेट्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोस, बट डज नॉट ऑलवेज एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द कंपनी एज होल. तो बैलेंस शीट को देखने का रीजन क्या है? आप कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट देखे तो उससे क्या आप what kind of inference you are going to do? आप उससे क्या इन्फर करने वाले हो? Definitely कि ये कंपनी के assets की value बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है. जैसे वो कंपनी के पास लैंड था 20 years पहले, उसने 1 lakh में लिया, आज उसका 1 lakh नहीं है, आज उसको 20 lakhs लोग पे करने को रेडी है. स्टिल वो अगर 1 lakh बताएगा तो उसका बैलेंस शीट में वो अपने assets को understate कर रहा है, that is not real. तो उसको 20 लाख बतानी चाहिए. Am I right? So this is what you are going to see in the balance sheet, whether the assets values have increased or not, or liabilities कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, asset ज्यादा हुआ है या asset में क्या changes आ रहा है. All this you are going to see in your balance sheet. Now current assets. अब देखो एक एक point यहां पर ध्यान से समझना. ये सब हम थोड़ा बहुत एक revision कर रहे हैं standards के ऊपर. Current assets, these are assets that can be liquidated or consumed by company within 1 year or one operating cycle, whichever is greater. Fine. Accounting standards require that certain specific line items must be shown on a balance sheet if they are material. यानी जो कुछ भी हमारे business के लिए important assets हैं,
उनको आपको बैलेंस शीट में डेफिनेटली दिखाना होगा. एग्जाम्पल कैश एंड कैश इक्वालेंट्स, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज एंड सम सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट्स विच एवर यू हैव यू आर होल्डिंग. आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करते हो ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वो भी अगर आप बाई करके रखे हो या परचेज करके रखे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्रेशरी, ट्रेशरी बिल्स, टी बिल्स, दीज आर यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दीज आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, ओके, विद शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी ऑफ 6 months. सो ये सब आपको दिखाना है. नाउ लेट अस टेक द फर्स्ट वन आउट ऑफ दैट, कैश एंड कैश इक्वालेंट्स. ऑलरेडी आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट कल बना लिया है एंड यू हैव कम टू नो कि कैश को कैसे, मतलब कैश कैसे आता है और कैसे हमारे पास से जाता है. फाइन, नाउ प्लीज यार ध्यान से समझना, कैश इक्विवेलेंट्स आर हाईली लिक्विड. देखो मैं कैश की बात नहीं कर रहा हूं, कैश तो रेडी कैश है, कैश इज रेडी कैश, बट कैश इक्विवेलेंट्स आर नथिंग बट समथिंग विच आर इक्विवेलेंट टू कैश विच कैन बी इमीडिएटली कन्वर्टेड टू कैश, लाइक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. अच्छा अगर मैं गोल्ड बोलूं, गोल्ड इज एग्जैक्टली कैश इक्विवेलेंट. व्हाई? बिकॉज एनी वेयर यू गो यू कैन इमीडिएटली कन्वर्ट द गोल्ड इनटू कैश. सो दैट इज व्हाट इज अ कैश इक्विवेलेंट. दीज आर हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज दैट कैन, दैट मीन्स इट कैन बी इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू कैश. एक सेकेंड. कैश इक्वालेंट्स आर हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज दैट यूजुअली मेच्योर इन लेस देन 90 days. तो मैंने आपको बताया ना, आपको टी बिल्स आपके 3 months के भी हो सकते हैं. अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के बिल खरीदोगे, यानी ये भी एक सिक्योरिटी है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं और उनको इंटरेस्ट मिलता है गवर्नमेंट से, तो वो 3 months तक का होता है, 90 days. ओके, नाउ सिंस दे आर सो क्लोज टू मेच्योरिटी देर इज मिनिमल रिस्क ऑफ एनी चेंज इन देयर वैल्यू. देखो कोई भी एक एसेट अगर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम का होगा, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा. अगर लॉन्ग टर्म एसेट होगा तो डेफिनेटली चेंजेस आएगा, एक्सपेक्टेड है वो, ठीक है ना. तो क्यों नहीं होगा इसमें कोई चेंजेस, क्योंकि ये आपका टी बिल जो है इसका इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट आपको पे कर रही है, दिस टी बिल्स आर इश्यूड बाय यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट. यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट आपको ये टी बिल इश्यू करती है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आता इसके वैल्यू में. क्यों नहीं आता? बिकॉज इसके इंटरेस्ट रेट्स चेंज नहीं होते, वो फिक्स रहते हैं. गॉट माय पॉइंट? हेलो. यस सर. या जयंत, जय जयंत. या देखो, इंटरेस्ट रेट्स, अगर आप लोग को कुछ पॉइंट समझना बहुत जरूरी है. सी देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप between bond price and interest rates. That means market interest rates. How? अब देखो, suppose आप एक company का bond ले रहे हो, bond की value $100 है और company आपको 10% interest pay कर रही है. इसको हम बोलेंगे coupon. We say this as coupon. Okay, this won't change. This is always fixed. This is the agreement between you and the company whose bond you have purchased. The company has agreed to you that they will always pay you 10% coupon. Okay? आपको ये हमेशा pay करेगी. Coupon मतलब generally agreed interest. यानि आपके और company के बीच में जो agreement हुआ उसके हिसाब से जो interest वो pay करेगी. But market interest rates are different. Market interest rates ज़्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं. ठीक है ना? Market rate ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है. देखो आप एक बात याद रखो, आप एक बैंक से हाउसिंग लोन लिए, हाउसिंग लोन में बैंक बोला मैं आपको 7% पे आपको मैं सेवन परसेंट इंटरेस्ट पे मैं आपको लोन दूंगा. 2 years के बाद आपका फ्रेंड बैंक को गया तो उसको भी बैंक 7% पे देगा कि वो टाइम पे जो मार्केट में रेट चल रहा है उस पर देगा? मार्केट रेट पे देगा सर. ऑफकोर्स मार्केट में 9% चल रहा है तो 9% पे देगा. ओके, सो वैसे ही होता है. कंपनी आपको आज 10% दे रही है, फ्यूचर में हो सकता है वो वैल्यू 12% भी हो जाए
और वो वैल्यू 8% भी हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि प्राइजेस अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या कम होता है तो ये बॉन्ड का प्राइस भी चेंज हो सकता है। कैसे? और वो भी कब होगा ऐसा? इन लॉन्ग टर्म, नॉट इन शॉर्ट टर्म। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। शॉर्ट टर्म में कोई भी सिक्योरिटी का वैल्यू चेंज नहीं होता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता है। 2-3 मंथ्स में क्या इंटरेस्ट रेट चेंज होगा? एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर का टाइम चाहिए। नाउ कोई भी एक चेंज इतनी सडनली नहीं हो सकता है। ओके मार्केट भी थोड़ा स्टेबल होता है। सो अगर 12% अगर मार्केट में जो सिक्योरिटी आपका फ्रेंड, अभी आप 2 साल पहले ये बॉन्ड को लिए, आपका फ्रेंड मिला, वो बोला अरे मैं भी एक सिक्योरिटी खरीद रहा हूँ, तो उसने बोला कि भाई मैं जो सिक्योरिटी खरीद रहा हूँ उस पर मेरी कंपनी मेरे को 12% देने को रेडी है। अब आपके दिमाग में क्या आता है? अरे मेरे को 10% ही मिल रहा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस बॉन्ड, लेट मी सेल दिस। तो आप मार्केट में इसको सेल करने के लिए गए, तो मार्केट में आपको ज्यादा प्राइस मिलेगा कि कम प्राइस मिलेगा इसका? कम प्राइस मिलेगा क्योंकि आप जो मार्केट में बेच रहे हो वो मार्केट में 12% रेट चल रहा है अभी, तो कोई भी आपका बॉन्ड क्यों खरीदेगा ज्यादा पैसे देकर? ही विल नॉट पे यू एक्स्ट्रा अमाउंट, व्हाई? बिकॉज योर बॉन्ड इज पेइंग लेस इंटरेस्ट, ठीक है ना? तो आपको डेफिनेटली इसका प्राइस कम करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स हाई है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड प्राइस। ओके, व्हेन मार्केट इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीजेस, बॉन्ड प्राइस डिक्रीजेस। नाउ अब क्या हो रहा है कि आपका एक और फ्रेंड मिला, वो बोला अरे मैं भी बॉन्ड खरीदना चाहता हूं, और आपने पूछा कि क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, बोला 8% चल रहा है, तो आपको क्या लगा अरे ये अच्छा टाइम है मैं अपने बॉन्ड को बेच दूं क्योंकि अभी मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम मिल रहे हैं और मेरा कंपनी ज्यादा दे रहा है, तो इफ आई सेल माय बॉन्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई विल गेट अ हायर वैल्यू बिकॉज माय बॉन्ड्स डिमांड विल बी वेरी हाई। क्योंकि इस केस में आपके बॉन्ड की डिमांड कम है। जस्ट अ सेकंड, ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत रिलेवेंट है, सब आगे जाकर भी आएगा। इन दिस केस योर बॉन्ड्स वैल्यू, योर बॉन्ड्स डिमांड इज लेस, व्हाई? बिकॉज इन मार्केट Whatever the bonds are available, they are available at higher rate. तो आप वैसे मार्केट में अपने बॉन्ड को ज्यादा प्राइस में पुश नहीं कर सकते, आपको प्राइस कम करना पड़ेगा क्योंकि और आपके जैसे बहुत लोग अपना बॉन्ड बेचने को रेडी रहेंगे तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, सो डिमांड कम हो जाएगा तो प्राइस कम हो जाएगा। एंड इस मार्केट में आपके बॉन्ड की डिमांड ज्यादा है, आप ज्यादा भी चार्ज करोगे तो पीपल आर रेडी टू पे, वाई? बिकॉज आपकी कंपनी ज्यादा पे कर रही है। सो व्हेन मार्केट इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीजेस the bond price increases, ठीक है? तो ये बात को ध्यान रखना, and this is always expected in long term, okay? But here let's see, what are they saying? तो आप एक बात याद रखो, since they are so close to maturity, there is minimal risk to any change in their value. तो short term में कभी भी कोई भी securities आप खरीदते हो, उसकी value change नहीं होती है, उसकी value stable रहती है, okay? Because interest rates change नहीं होते, so since cash equivalents are financial assets, they may be measured at amortized cost or fair value. ये point हमारा final point है. क्या है? Short term securities जो भी है उसको आपको कैसे measure करना है, यानी balance sheet पे कौन सी value पे लिखना है? Amortized cost और fair value. ठीक है, यानी आपको अपने एसेट को या तो आप इस प्राइस पे बता सकते हो या मार्केट वैल्यू पे भी दिखा सकते हो। नाउ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट इक्वल्स हिस्टोरिकल कॉस्ट एडजस्टेड फॉर अमोर्टाइजेशन एंड इंपेयरमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो आपके सिक्योरिटीज की वैल्यू भी कई बार कभी कभी गिर सकती है। कैसे गिर सकती है? डिमांड कम होने से गिर जाएगी। तो अगर आपकी सिक्योरिटी आपने अपनी सिक्योरिटी $100 में लिया और मार्केट में सपोज उसकी वैल्यू कम हो गई, यानी $20 कम हो गई, तो अब आपके सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है? $80। तो आप इस पे भी बता सकते हो, ठीक है? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट इक्वल्स हिस्टोरिकल कॉस्ट, दिस इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओके, एट विच यू बॉट, adjusted for amortization and impairment. What do you mean by impairment? Impairment का मतलब क्या है?
Anyone, can you tell me what is impairment? आप एक सैमसंग का फोन लेके आए, ठीक है, आज इसको 20,000 में परचेस किए, फोन को लेकर गए बाहर और वो क्या हुआ, स्टेयर केस पे आपके हाथ से ड्रॉप हो गया एंड स्टेयर केस पे गिर गया और उसके स्क्रीन पे डैमेज आ गया, मतलब क्रैक्स आ गए। अब इसको आप, अब इसमें आपको वो पुराना एक्सपीरियंस मिलेगा क्या? नो, क्योंकि दिस फोन इज नाउ कॉल्ड ए इम्पेयर्ड फोन। भाई अपना कभी कभी एक्सीडेंट होता है किसी आदमी का, तो उसके पैर की हड्डी टूट जाती है वगैरह, तो दे से ना इम्पेयर्ड बोन। सो इम्पेयरमेंट का मतलब कुछ डैमेज हो गया एंड पहले जैसा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। नाउ यू वांट टू सेल दिस फोन इन द मार्केट, आप बोले कि भाई मैं 20,000 में खरीदा एंड यू वेंट टू द मार्केट टू सेल इट, पीपल आर रेडी टू जस्ट पे यू 5,000, तो आपको लॉस कितने का हुआ? 15,000. This is called impairment loss. ये loss आपका नहीं होता, ये आपका figure है, ये आपका loss नहीं होता अगर आपका phone नहीं गिरता. Got my point? So इसका एक definition भी होता है, when carrying amount is greater than recoverable amount, there is a impairment loss. What is this carrying amount is more than recoverable amount? आप अपने books में कितना लिखे फोन का वैल्यू? 20,000. आपको मिल रहा कितना? 5,000. तो लॉस कितने का हुआ आपका? 15,000. आपका कैरिंग अमाउंट ये है, आपका रिकवरेबल अमाउंट ये है, मार्केट में ये मिल रहा है आपको, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ? इंपेयरमेंट लॉस। एंड दिस इंपेयरमेंट लॉस यू हैव टू शो इन योर P&L अगर कभी भी ये लॉस होता है तो, ठीक है? नाउ यस सर, सो अगेन जो भी आपका सिक्योरिटीज है, या तो आप उसको देखो, आपको इन दोनों पे दिखाना बोल के कंपल्शन नहीं है बॉस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप या तो ये कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, या फेयर मार्केट वैल्यू पे भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जिस पे दिखाना चाहे उस पे दिखा सकते हो। तो आई कैन शो माई सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, आई मीन टू से शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज विच आर कैश इक्विवेलेंट्स एट व्हाट वैल्यू, आइदर एट अमोर्टाइज कॉस्ट। अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब मैंने जितने में खरीदा उसमें मेरा कुछ, उसमें कुछ नुकसान या कुछ डैमेज हुआ, मतलब अब आपका दिमाग में आएगा ये सिक्योरिटीज में क्या डैमेज होगा, भाई कंपनी का रेपुटेशन गिर गया, कंपनी में कुछ फ्रॉड हो गया, तो वो कंपनी की सिक्योरिटी की वैल्यू गिर जाती है, होता है ऐसा। कोई भी कंपनी में जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें एक छोटा मोटा फ्रॉड हो गया तो वो कंपनी का सिक्योरिटी का वैल्यू क्या होगा, गिर जाएगा, तो उसके वजह से जो नुकसान हो रहा है आपका वो इंपेयरमेंट लॉस है। सर ये इंपेयरमेंट लॉस जो है ना, ये सब बॉन्ड्स पे भी होता है सर, ये इंपेयरमेंट लॉस वही बोल रहा ना? हाँ, इंपेयरमेंट लॉस मतलब जनरली क्या होता है, कोई डैमेज हुआ, कोई रेपुटेशन खराब हुआ कंपनी का, तो ये लॉसेस होते हैं, ठीक है ना? तो सर ऐसा ये एक सीसीडी था, देखो सर उन्हें मर गया तो उसका जो भी मतलब उसका शेयर का वैल्यू था तो वो लॉस हो गया ना सर, वैसा भी किसका, किसका? जो एक था देखो सर सीसीडी बोले कैफे कॉफी डे का, उसका हाँ, उसका शेयर का वैल्यू गिर गया ना, यस यस, उन्हें मर गया बोल के ऐसा गिर गया उसका वैल्यू, नाम खराब हो गया पूरा, चले गया, यस यस यस। देखो अमोर्टाइजेशन कुछ अलग चीज है, इंपेयरमेंट कुछ अलग चीज है। अमोर्टाइजेशन मतलब वक्त के साथ उसकी वैल्यू कम हो सकती है, समझ में आ रहा है आपको? वक्त के साथ वैल्यू कम, अभी इसके ऊपर मैं आज नहीं आपको लेक्चर दे सकता पूरा, क्योंकि इसके ऊपर पूरा चैप्टर है हमको अलग से पढ़ने का, तो वहां डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, उतना समझो बस। मैं आपको रफ, देखो ये चैप्टर जो है ना, दिस इज नॉट ए डिटेल्ड चैप्टर, ये सिर्फ आपको छोटा छोटा सिनॉप्सिस है, आपको इसका डिटेल चैप्टर पूरा पढ़ना है। जैसे अभी आपके सामने ये पॉइंट है, ये इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री इज ए करंट एसेट, करेक्ट? अब ये इन्वेंट्री के ऊपर इन्होंने छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है आपको 20 पेजेस का, वो पढ़ना है आपको आगे जाकर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इसमें आप सिर्फ थोड़ा बेसिक्स को समझो बस। नाउ
फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है, आप अपने सिक्योरिटी को मार्केट में बेचने के लिए गए, $100 का सिक्योरिटी है, लोग आपको $120 देने को रेडी है, तो दिस इज कॉल्ड फेयर मार्केट वैल्यू, या आप अपने सिक्योरिटी को इस पे भी दिखा सकते हो, करेक्ट। चलो यस सर, अभी IFRS में आप उसको ऐसा दिखा सकते हो, US GAAP में फेयर वैल्यू इज बेस्ड ऑन एग्जिट प्राइस, द प्राइस रिसीव्ड टू सेल एन एसेट, मतलब वही बात हुई, फेयर वैल्यू मतलब यू वांट टू सेल योर एसेट एंड व्हाट पीपल आर रेडी टू गिव यू इमीडिएटली इन द मार्केट, दैट इज योर फेयर वैल्यू। तो US GAAP में IFRS में आप फेयर वैल्यू पे भी दिखा सकते हो, गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, सी द अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एंड फेयर वैल्यूज ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स आर यूजुअली वेरी सिमिलर, मतलब अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, जैसे अभी आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर ये आप हमको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बोल रहे हैं, आपने ये बोला कि मैं सिक्योरिटी खरीदा 100 में और इसका मार्केट, इसका मतलब कंपनी का रेपुटेशन खराब हो गया और 20 का नुकसान हो रहा है हमको, मतलब मार्केट में बेचने गए तो पीपल आर ओनली रेडी टू गिव मी $80, तो सर ये भी तो मेरे को मार्केट वैल्यू है, ऐसा आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। भाई अभी मैं जो सिक्योरिटी है $100 में लिया, इसको मार्केट में बेचने के लिए गया, तो आपका दोस्त बोला अरे मैं नहीं देता रे भाई 80 से ज्यादा, तो आप बोले क्यों? नहीं भाई क्यों देऊं मैं, आपकी कंपनी का डायरेक्टर फ्रॉड है, तो $20 मैं गिरा के ही दूंगा। वो भी उन्हें क्यों खरीद रहा, आपका फ्रेंड, उसको एक इंफॉर्मेशन मिली कि ये कंपनी को कोई टेक ओवर करने वाला है, फिर भी वो आपके सामने बोलेगा कि भाई आई एम रेडी टू पे 80, जब वो आपको 80 पे करेगा तो दैट इज मार्केट वैल्यू और नॉट? अरे बोलो yes, मुझे सर मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है ना, आपका फ्रेंड हो या कोई एक्स वाई जेड हो जिसको भी आप बेचने जा रहे हो, व्हेन ही इज रेडी टू पे यू 80 आफ्टर डिसाइडिंग दैट ही विल पे $20 लेस, ही इज रेडी टू पे 80, दैट मींस दिस इज द मार्केट वैल्यू ओनली। Yes, अच्छा, और फिर आपका फ्रेंड के पास आप गए, आपका सिक्योरिटी $100 का है, वो बोला मैं आपको $150 देता हूँ क्योंकि मेरे को मालूम चला कि आपकी कंपनी को कोई टेक ओवर करने वाला है, एप्पल कंपनी, एप्पल कंपनी का टेक ओवर मतलब माय गॉड हो गया, और क्या चाहिए, इस कंपनी का शेयर्स बहुत आगे चले जाएगा। तो जनरली अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू आर यूजुअली द सेम, वो पॉइंट यहां पर वो बोलना चाह रहे हैं। तो मैं आपको एक फाइनल कंक्लूजन लिख देता हूं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, सॉरी मैं आपको लिख देता हूं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज या कैश इक्विवेलेंट्स आर वन एंड द सेम एंड दे आर ऑलवेज लाइक मैक्सिमम दे आर मेजर्ड एट, क्या लिखा मैंने, फेयर मार्केट वैल्यू वैल्यू, यानी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू एक ही है। मैंने आपको बताया ना 100 का सिक्योरिटी आपका फ्रेंड 80 देता बोल रहा है, ये भी मार्केट वैल्यू है, 100 का सिक्योरिटी आपका फ्रेंड 120 देता बोल रहा है, ये भी मार्केट वैल्यू है, दोनों भी एक ही हुआ, करेक्ट और रॉन्ग? सो यस सर, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू आर यूजुअली द सेम इन केस ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब ये भी वही सिक्योरिटीज है जो मार्केट में आप बेच सकते हो, ठीक है ना, और इसको भी आप हमेशा किस पे दिखाओगे, मार्केट वैल्यू, किस पे बताओगे, मार्केट वैल्यू। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे मार्केटेबल सिक्योरिटी है, मार्केट में बेचने जाएंगे तो जो हमको जितना देगा उतने में ही दिखाएंगे, या हम भी खरीदेंगे तो मार्केट वैल्यू पे ही खरीदेंगे, हम बेचेंगे तो मार्केट में बेचेंगे मार्केट वैल्यू पर, हम खरीदेंगे तो भी मार्केट वैल्यू पे खरीदेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, वेरी वेरी इजी, कोई टेंशन नहीं है, कुछ मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, इसमें डायरेक्ट लिख दूंगा, आप हमेशा इसको दिखाएंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, किस पे दिखाएंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। व्हाट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, देखो आप 10,000 का गुड्स एक कस्टमर को बेच दिए, कस्टमर आपको हर साल, आपको पता है कि 10% हमारा लॉस होता है, डूब जाता है पैसा, करेक्ट? यस सर। और ये कस्टमर भी हमारा 10% डुबा दिया, तो कितना माइनस कर देना, ये आपका सेलिंग प्राइस, ये आपका 1,000 रुपीज आपका बैड डेट्स, क्या है, बैड डेट्स,
आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? 9000. तो ये इस पे दिखाएंगे आप अपने रिसीवेबल्स. रिसीवेबल्स, ओके, दैट्स इट. यानी आपका कस्टमर से आपको जो भी पैसा नहीं आ रहा है, जो नुकसान हो रहा है, वो आप माइनस करोगे और इमीडिएटली जो आपके हाथ में पैसा आएगा उसमें दिखा दोगे. चलो, तो अभी हम देख लेते हैं यहां पर. ट्रेड रिसीवेबल्स ऑल्सो कंसिडर्ड फाइनेंशियल एसेट्स. ट्रेड रिसीवेबल्स रिप्रेजेंट अमाउंट ओड टू द कंपनी बाय कस्टमर्स. यानी कस्टमर से जो अमाउंट हमको आना है वही हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स है. ओके, जिनको हमने क्रेडिट सेल्स किया है. क्या किया है? क्रेडिट सेल्स. हाँ, कस्टमर को क्रेडिट सेल्स करोगे वही पैसा आना होगा ना. तो अब इसको आप किस पे दिखाओगे? एनआरवी, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू. हाउ टू फाइंड आउट नेट रियलाइजेबल वैल्यू? आपको, आप 10,000 का गुड्स बेचे, उसमें से आपको वो 10% पेमेंट नहीं कर रहा है, वो निकाल दोगे तो क्या आएगा आपको? नेट रियलाइजेबल वैल्यू. दैट्स इट. लेकिन अब इसमें एक बड़ा क्वेश्चन क्या आता है पता है आपको? बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आप जो ये निकाल रहे हो बैड डेट्स, ये जनरली हम अक्रुअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपना अकाउंट्स बनाते हैं, करेक्ट? यस सर. तो हम क्या करते हैं, बैड डेट का प्रोविजन पहले से ही बना के रखते हैं. अब इसमें क्या होता है, कभी कभी जो प्रोविजन हम बनाए, हम 10% के हिसाब से बनाए कि हमारा साल में 1,00,000 रुपीज का बैड डेट्स होगा. मैं पूरे ईयर की बात कर रहा हूं, ये सिंगल कस्टमर था. तो कई बार ये अंडर प्रोविजन भी हो सकता है, कई बार ओवर प्रोविजन भी हो सकता है, करेक्ट? मतलब ये है कि हम तो 1,00,000 का एस्टिमेशन बना के रखे, लेकिन हमारे को बैड डेट सिर्फ 80,000 का हुआ, तो क्या हो गया? ओवर प्रोविजन, करेक्ट? यस सर. हम 1,00,000 का प्रोविजन बनाए और 1,20,000 का बैड डेट्स हो गया, तो ये अंडर प्रोविजन हो गया. तो इसका एक इश्यू हमारा चलता रहता है. बट डोंट वरी, जो कस्टमर हमारे को पैसा देना है उससे हमको जितना नहीं आ रहा है वो निकाल देंगे तो हमको नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगा. दैट्स इट. भाई आप बैलेंस शीट बनाते हो ना, बैलेंस शीट बनाते हो तो आपके डेटार्स होते हैं ना, सन्डरी डेटार्स, उसमें क्या करते हो आप? सपोज सन्डरी डेटार्स आपके 10,000 है, आपको कस्टमर से पैसा आना है, बैड डेट्स निकाल दो, मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स फिनिश्ड. 9,000 आपका रिसीवेबल रहेगा, ये आपका एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू. नेक्स्ट पॉइंट, साइमा आप फॉलो कर रहे हो? यस सर. ओके ओके, प्लीज रेज एनी डाउट्स इफ यू हैव. आप मेरे को बीच में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज इन्वेंट्रीज. अब आपका ये जो इन्वेंट्री है, ये थोड़ा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसको ध्यान से समझना. ओके, आपको ये सब तो पढ़ना नहीं है, ये सब के चैप्टर्स नहीं है आपको. ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, सिक्योरिटीज है, कैश इक्विवेलेंट्स, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म हो गया. बट इन्वेंट्रीज का फुल फ्लेड चैप्टर है आपको आपके लेवल वन में. ओके, नाउ सी, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक जो आप खरीदते हो अपने बिजनेस में, लेके आते हो ट्रेडिंग के लिए, यानी उसको हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज स्टॉक कुछ भी बोलना है बोल सकते हैं. यू बाय इट टू सेल इट टू द कस्टमर्स, करेक्ट? अब इसका मेजरमेंट कैसे करना है? अच्छा, इन्वेंट्री आपका क्या क्या हो सकता है? फिनिश गुड्स भी हो सकता है, आपने पूरा का पूरा लाइक जो भी इन्वेंट्री है, आपने रॉ मटेरियल लेके आया, प्रोसेस किया. देखो इन्वेंट्री के 3 पार्ट्स हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. इन्वेंट्री आपका रॉ मटेरियल भी हो सकता है फॉर प्रोडक्शन कंपनी. रॉ मटेरियल लेके आते हैं वो, वर्क इन प्रोग्रेस यानी उसको प्रोसेस करते हैं, या वर्क इन प्रोसेस बोलो, एक ही बात है. और फिर फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? तो ये तीनों भी हमारा इन्वेंट्री ही होता है, ठीक है ना? यस सर. रॉ मेटेरियल भी इन्वेंट्री होता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी इन्वेंट्री होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी इन्वेंट्री होता है, यानी फिनिश गुड्स भी इन्वेंट्री होता है. अब इसको मेजर कैसे करना है अंडर आईएफआरएस एंड यूएस गैप?
अब देखो प्लीज ध्यान से समझना प्लीज, हाँ ये दोनों को भी मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको एग्जाम्पल लेकर। देखो IFRS में इन्वेंट्री इज रिपोर्टेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं आपको। देखो मैं चाहूँ तो आपको बोल सकता हूँ कि आप डायरेक्टली इसको पढ़ लो, इसको समझ लो, ऐसा नहीं होता। यू शुड नो द इंट्यूशन बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट कि हम इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे क्यों दिखाना चाहिए। देखो पहले कॉस्ट का मतलब है आपका कॉस्ट प्राइस, आप इन्वेंट्री को कितने में लेके आए, $100। NRV का मतलब है आप जो बेचने जाते हो इन्वेंट्री को, जब इन्वेंट्री को बेचते हो, सपोज आप इन्वेंट्री को बेच रहे हो 120 में और आपको $5 का खर्चा आया उसको बेचने के लिए, यानी कमीशन। आप किसी एजेंट को हायर करते हो, करेक्ट और रॉन्ग, अपन गुड्स बेचने के लिए एजेंट हायर करते हैं ना, तो मैंने एजेंट हायर किया और वो कमीशन मैंने उसको $5 का पे किया, मुझे 115 मिला। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि आई हैव कॉस्ट, आई हैव NRV, मेरे को इन दोनों में से कैसे दिखाना है, मेरे को कैसे मेजर करना है। दैट मीन्स व्हेन आई मेक माई बैलेंस शीट आई शैल शो माई इन्वेंट्री आइदर एट वॉट प्राइस, इस पे दिखाऊं या इस पे दिखाऊं। सो IFRS सेज ना आप इस पे दिखा सकते हो ना आप इस पे दिखा सकते हो, आप दोनों में से जो लोअर होगा 100 उस पे दिखा सकते हो। अब ये तो एक कंफर्मेशन हो गया। अब ऐसा क्यों, आप इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए अभी आपका जो इन्वेंट्री है ये तो आपने एक एस्टिमेट, मतलब ये तो आपने एक मार्केट में एक सर्वे किया कि भाई मैं अगर मेरा इन्वेंट्री को बेचने जाऊं तो मेरे को लोग 120 देने को रेडी हैं, $5 मेरा कमीशन का लगेगा खर्चा और 115 मेरे हाथ में आएगा। अभी आप बेचे नहीं उसको, ये आप सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हो, आप एक सर्वे कर रहे हो, आपने खरीदा इतने में और मार्केट में मालूम किया तो लोग आपको इतना देने को रेडी है, इतना कमीशन का कट कर दिया और इतना आपको हाथ में आ जाएगा। तो आप मेरे को ये बोलो कि अभी आपके सामने आपका इन्वेंट्री $100 का है, उसको आपने बेचा ही नहीं, उसका पैसा आपके हाथ में आया ही नहीं एक्स्ट्रा, जो मतलब अभी आपका इतने में पड़ा आपको 100 में, क्या आप उसको 115 में बता सकते हो? 100 की चीज को क्या 115 में बता सकते हो विदाउट सेलिंग? प्लीज टेल मी। हाँ सर बता सकते हो। कैसे बताओगे? बेचे नहीं अभी तक। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, सेल नहीं किए बॉस, आपने सिर्फ मालूम करवाया है, आपने सेल नहीं किया है। ओके देखो मेरी बात ध्यान से समझो, ये मैं बात कर रहा हूँ इन्वेंट्री की, ये मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ, मैं परचेज की सेल की बात नहीं कर रहा, मैं इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ। इन्वेंट्री मतलब जो मेरे पास पड़ा हुआ चीज है, मेरे पास आज जो इन्वेंट्री पड़ी है उसका दाम है $100 जितने में मैंने खरीदा और मार्केट में लोग मुझे 120 देने को रेडी है, कमीशन निकालने के बाद मेरे को 115 मिल सकता है, वो मिल सकता है, मिला नहीं है अभी, तो क्या मैं उसको जो मेरे को मिला ही नहीं वो वैल्यू पे दिखाऊं या कॉस्ट पे बताऊं? कॉस्ट पे दिखाना सर, जो उसको of course, अगर मैं उसको 115 में लिखूंगा तो आई एम ओवरस्टेटिंग माई इन्वेंट्री अननेसेसरली, मैं ज्यादा में बता रहा हूँ, वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि मैंने बेचा ही नहीं है अभी, वो मेरे पास पड़ा हुआ है। अरे जो कुछ बेचा ही नहीं है उसका पैसा कैसे दिखा सकता हूँ? मेरे पास घर में कोई मतलब मेरे पास अभी मेरा दुकान है, मेरा शॉप है, ये शॉप में मेरे पास बहुत सारे आइटम है, तो इनका वैल्यू मैं बुक्स में सेलिंग प्राइस पे दिखाऊंगा या उनको जो कितने में खरीदा उतने में दिखाऊंगा? एक्चुअल प्राइस सर कितने में? हाँ अगर सेलिंग प्राइस में बता रहा हूँ मतलब क्या होगा, मैं जो बेचा ही नहीं उसको ज्यादा में बता रहा हूँ, वो तो गलत ट्रीटमेंट होता है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। यस सर। हाँ हाँ, जब मैं बेचूंगा ना, व्हेन आई विल सेल इट आई कैन रियली शो इट 115, उसमें मेरे को कोई रोक नहीं सकता। बात यही है कि रात को मैं अपना दुकान क्लोज करके घर को आ गया और मेरे को कोई पूछा कि आपके दुकान में कितने का स्टॉक है, मैं उसको बोला 1 लाख, दैट मीन्स मैं कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा हूँ,
कल मेरे दुकान में कोई कस्टमर आया, बोला मैं आपका पूरा पूरा स्टॉक खरीदना चाहता हूँ, मैं उसको बोलूंगा 1,20,000, तब मैं उससे मार्केट वैल्यू की बात कर सकता हूँ. सो आई मीन टू से व्हेन आई एम नॉट सेलिंग इट आई कैन नॉट शो इट हायर वैल्यू, आई विल शो इट कॉस्ट. ठीक है, तो रूल वही हो गया ना, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी क्या हो गया आपका, 115 और 100 में लोअर वैल्यू कौन सा है, 100. नाउ सेकंड केस, ये केस नंबर टू है. केस नंबर टू में मैं क्या बता रहा हूं कि आप जो अपने बिजनेस में जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है वो $100 का है. ठीक है, अब वो बहुत दिन से पड़ा हुआ है, बिकरा नहीं है, थोड़ा डैमेज हो गया उसको, और अब जब आप उसको बेचने के लिए रेडी हो तो लोग आपको सिर्फ बोल रहे हैं आई विल पे यू ओनली $40 बॉस. कितना? 40. कितना? $40. तो अब आप उसको 100 में दिखाओगे कि 40 में दिखाओगे? $40. क्यों दिखाओगे 40 में? जो चीज का आपको 40 मिल रहा है उसका 100 दिखाना भी गलत है. तो इधर पर ये आपका एनआरवी हो गया, ये आपका कॉस्ट हो गया, दोनों में से लोअर क्या हो गया? एनआरवी. एनआरवी इसीलिए ये रूल पिक्चर में आया कि दोन आपको कभी भी इन्वेंट्री अगर दिखाना है अपने बुक्स में तो एनआरवी और कॉस्ट ये दोनों में जो लोअर होगा उसमें ही दिखाना. तो पहले केस में क्या हुआ, आई डिड नॉट सेल इट सो आई कैनॉट शो इट सेलिंग प्राइस, आई हैव टू शो इट कॉस्ट. सेकेंड केस, द स्टॉक विच आई हैव इट इज एक्चुअली आई बॉट इट फॉर 100 बट राइट नाउ पीपल आर नॉट रेडी टू पे मी मोर देन 40, सो कैन आई शो इट 100? नो. मतलब अच्छा, आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये भी तो आप सेल नहीं किए ना. मैंने सेल नहीं किया, लेकिन मैंने एक सर्वे निकाला, सर्वे निकाल तो मेरे को समझ में आया कि मेरे दुकान में जो स्टॉक पड़ा है मैं 100 का बता रहा हूँ, जबकि वो 100 का है ही नहीं, वो तो 40 का ही है. तो जो 40 का चीज है उसको 100 बताना भी तो एक गलत ट्रीटमेंट है ना, ओवर एस्टिमेशन है. तो ना मुझे ओवर एस्टिमेशन करना है, ना मुझे अंडर एस्टिमेशन करना है, मुझे एग्जैक्टली जो है वो करना है. ओके, सो 40 पे दिखा दूंगा. तो यहां पर मेरा लोअर और कॉस्ट, ये मेरा एनआरवी था, ये मेरा कॉस्ट था. तो हियर माई कॉस्ट वॉज लोअर, यहां पर ये मेरा कॉस्ट है, ये मेरा एनआरवी है, माई एनआरवी इज लोअर. ओके, आई विल शो इट एनआरवी, दैट्स इट. दोनों में से जो कम होगा उसमें दिखाऊंगा. चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे यूएस गैप के बारे में कर रहे थे, हाउ विल द ट्रीटमेंट बी इन यूएस गैप. ओके, चलो इसके बारे में मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, वो एग्जाम्पल से समझ लेना. ये आप लोग को दिखते हैं छोटे चैप्टर्स, बट इसके अंदर में बहुत डेप्थ रहता, वही है प्रॉब्लम. अच्छा, कैन यू एक्सक्यूज मी फॉर 5 मिनट्स, मैं एक छोटा टी ब्रेक लेके आता हूँ. ओके सर. क्यों बोले तो मेरे को जब से वेट कर रहे हो, टी बना के रेडी रखे, 5 मिनट्स में आके फिर कॉल बैक करता हूँ, लेते हैं आधा घंटा सेशन. ठीक है? ओके ओके ओके, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, आप भी कुछ ब्रेक ले लो. ओके सर. या या